आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बिहार का बहुत ही फेमस दाल पूरी, जो कि इसे फेस्टिवल पर बिहार में बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो आज हम बनाएंगे दाल पूरी, ना तो फटेगा, बनाने में बिल्कुल आसान, तो बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा और पूरी दाल पूरी अंदर तक भरी रहेगी। तो चलिए हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 150 ग्राम दाल लिए हैं और इसे पानी में 5 से 6 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दिए थे। तो यह बहुत ही अच्छे से देखिए भीग गए हैं, तो इसे हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पर देखिए हम मसाले देख लेते हैं जो डालने वाले हैं। आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल पाउडर, आधा चम्मच मिक्स गरम मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें हम 2 चम्मच पानी डालेंगे और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे इसी तरीके से साइड में रख देते हैं। दाल को पकाने के लिए हम कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए इसमें हम 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल ऐड कर रहे हैं। तो तेल जो है गर्म हो गया है, तो इसमें हम आधा चम्मच जीरा भी डाल रहे हैं। तो आप चाहें इसमें तो लहसुन की कलियां भी डाल सकते हैं, लेकिन इसे आप कहीं बाहर ले जा रहे हैं तो लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो इसमें हम जो मसाले पेस्ट तैयार किए थे उसे डाल दिए हैं। अब इसे हम कलछी से खूब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसी के साथ ही में हम डाल देंगे चना, जो दाल है भीगा हुआ। तो देखिए एक कटोरी चने का दाल है इस कटोरी के माप से, तो हमें इसी कटोरी के माप से हमें 1 कटोरी पानी भी डालना है। इसके बाद हम इसमें सीटी लगा देते हैं। 1 सीटी देने के बाद हम इसे 7 मिनट तक रखेंगे। तो जब तक ये पक रहा है, इधर हम आटे का डो लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने गेहूं का आटा लिए हैं, तो इसमें हम 1/4 चम्मच नमक ऐड कर रहे हैं और 1 चम्मच देसी घी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस आटे में हमें इतने अच्छे से मिक्स करना है जिससे कि गेहूं के आटे के एक एक रेसे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यह बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और आटा का डो हमें सख्त डो तैयार कर लेना है। आटा जितना ज्यादा मुलायम होगा उतना ही ज्यादा दाल पूरी अच्छा बनेगा और सॉफ्ट रहेगा। तो आटे का डो हम तैयार कर लेते हैं। तो आटे का डो तैयार हो गया है, एकदम से सॉफ्ट है। तो इसे हम ढक कर, इस तरीके से खुले में नहीं, ढक कर रखेंगे। सीटी देने के बाद मीडियम लो फ्लेम पर इसे हम 7 मिनट कुक किए हैं। तो दाल देखिए बहुत ही अच्छे से पक गया है। इस दाल को हम मिक्सी के जार में पीस लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे दाल तैयार हो गए हैं। अगर आपको हल्का सा दाल गीला लग रहा है तो इसमें आप चना का बेसन डाल सकते हैं 1-2 चम्मच। तो इसमें हम देखिए मसाले यूज किए हैं पहले से ही, तो इसमें हम मसाले नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप सबको फीके लग रहे हैं तो थोड़ा बहुत मसाला इसमें यूज कर सकते हैं दोबारा से, तो हमें तो अच्छा है इस वजह से नहीं कर रहे हैं। तो देखिए इसमें अब हम क्या करेंगे, आटे का डो भी सॉफ्ट हो गया है, तो अब हम छोटी सी लोइया लेंगे और इसे देखिए चकले यानी इसे पेड़े की तरह पहले तैयार करेंगे। इसे हम हाथों से कटोरी के सेम में इस तरीके से देते जाएंगे, इससे क्या होता है फटता नहीं है, बहुत ही आसान से बन जाता है। तो इसमें अब देखिए फिलिंग हम 2 चम्मच ऐड कर रहे हैं। आप इसे फिलिंग को देखकर ही ऐड करना है, ना तो बहुत ज्यादा ज्यादा और ना ही बहुत ज्यादा कम। तो देखिए इसमें हम 2 चम्मच डाल रहे हैं, थोड़ा सा बेसी लग रहा था तो निकाल दिए हैं। तो अब इसे हम खूब अच्छे से देखिए फोल्ड करेंगे, इसके बाद ऊपर से इस तरीके से देखिए हाथों से करते जाएंगे। तो इस चकली को देखिए हल्के हाथों से दबाते रहना है इस तरीके से, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस तरीके से हाथों से करके, तो फिर ये बेलने में फटेगा नहीं, आसानी होता है, जल्दी से बेल जाते हैं। तो देखिए इतने बड़े हो गए हैं। तो अब हमें थोड़ा सा तेल लगा देना है, रिफाइंड तेल इसके ऊपर से दोनों तरफ से। उसके बाद इसे बेलन से हमें हल्के हाथों से बेलना है, बहुत ज्यादा दबाकर इसे नहीं बेलना है, बस हल्के हाथों से। तो इस तरीके से आप सब करेंगे तो गारंटी है कभी नहीं दाल पूरी। इसी तरीके से सारे दाल पूरियों को तैयार कर लेना है और देखिए इसे बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखना है। तो मैंने यहाँ पर तेल पहले से ही रख दिया था गर्म होने के लिए, तो इसमें हम थोड़े से आटे डालते हैं। तो देखिए तेल गर्म हो गया है अच्छे से। तो अब इसमें हम पूरियों को तल लेते हैं, बहुत ज्यादा ना तो हाई रखना है ना तो बहुत ज्यादा मीडियम रखना है गैस का फ्लेम। तो देखिए पूरियां भी तैयार है और तेल भी अच्छे से गर्म है, तो इसमें हम डाल देते हैं और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। इसे
हमें दोनों तरफ से अच्छे से पलट कर फ्राई करना है। तो आप सब देख सकते हैं पूरियां कितनी अच्छे से फूली हुई हैं, देखने भी लग रहा है कि कहीं भी ये फटे नहीं लग रहे हैं और बहुत ही अच्छे से पूरियां फूली हुई हैं। तो इसी तरीके से जितनी भी पूरियां हैं हमें फ्राई कर लेना है, सेम इसी प्रोसेस से करेंगे तो दाल पूरी कभी नहीं फटेगा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी। तो ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है तो इसे हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से जितनी भी पूरियां हैं हमें फ्राई कर लेना है। तो लीजिए बिहार का फेमस दाल पूरी बनकर रेडी हो गया है। आप इसे आलू और परवल की तरी वाली सब्जी के साथ और खीर के साथ, इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो कभी भी बनाए दाल पूरी तो आलू की तरी वाली सब्जी खीर जरूर बनाएं। आप इसे या बच्चों को टिफिन या फिर कहीं सफर में भी जा रहे हैं तो ले जा सकते हैं। यदि आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कैसा बना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए नमस्कार।